subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में एक्सट्रीमली हैंडसम ड्राइवर यानी कि रोहन मेहरा। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर मैंने उनको ड्राइवर क्यों कहा। तो रोहन, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। तो रोहन, बता दीजिए ऑडियंस को कि आखिर मैंने आपको ड्राइवर क्यों कहा है। क्योंकि मेरी एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है क्रैश, 14 फरवरी को, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा हूँ जो कि डांसर बनना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी सी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उसको कहते हैं कि थोड़ी फिक्स इनकम आनी चाहिए। तो उसके डैड ड्राइवर रहते हैं, तो उसको भी ड्राइवरी करनी पड़ती है। बट ये स्टोरी इस पे बेस्ड नहीं है, स्टोरी है भाई बहन के रिलेशनशिप पे बेस्ड। हम चार भाई बहन की स्टोरी है जो कि 14 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। और प्यार, इमोशन, सब कुछ है इसके अंदर भाई बहन से रिलेटेड। तो बेसिकली 14 फरवरी को क्रैश रिलीज़ हो रही है, भाई बहन की केमिस्ट्री पर है ये स्टोरी। और हम चार भाई बहन हैं। अनुष्का सीन जो कि आलिया है, वो मेरी ट्विन सिस्टर है और मैं उसी का ही ड्राइवर भी प्ले कर रहा हूँ। और हमें पता नहीं है, द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम दोनों को ही नहीं पता कि हम भाई बहन हैं। और बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि वो बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब हूँ। और बचपन में हमारा क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और हम चारों भाई बहन अलग हैं और एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। तो जो हमारे बड़े भाई बहन हैं काजल और कबीर, उनको पता है कि उनके छोटे भाई बहन भी और बिछड़ गए, लेकिन हमें, मेरे को और आलिया को कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है बचपन में। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट सीज़न में तो अभी पता भी नहीं चलेगा चारों को, आई थिंक सेकेंड या थर्ड सीज़न जब बनेगा इसका टोटल 30 एपिसोड्स की स्टोरी, तब पता चलेगा। रोहन, जिस तरीके से आपने हमें बताया कि इसके और भी कई सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, एंड अपने तो उसमें क्या कुछ हमें अलग देखने मिलेगा, क्या कुछ यूनिक देखने मिलेगा? फ़िलहाल तो इमोशंस ही देखने को मिलेंगे, भाई बहन से आप कैसे कनेक्ट करते हो। चारों भाई बहन ना जानते हुए भी टकरा जाते एक दूसरे से, और फिर भी कुछ कनेक्ट है जो पता नहीं ऑडियंस को, पता लेकिन हमें नहीं पता। कि हम सोचते हैं कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो बॉन्डिंग है कि चारों में जब भी वो टकराते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है चारों भाई बहन के बीच में। और अभी एक्चुअली 10 एपिसोड्स के बारे में ही मैं बता सकता हूँ, उसके आगे का तो मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो डेफिनेटली चेंज होंगी चीज़ें जब ये पहला सीज़न रिलीज़ होगा, तो उसके हिसाब से वो चेंज करेंगे कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तो बाकी के 2 सीजन्स बाद में ही बनेंगे। रोहन, हमने हमेशा आपको अलग अलग कैरेक्टर में देखा है, तो ये जो ड्राइवर का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे, तो उसके लिए आपने क्या कुछ प्रिपरेशंस किया? क्योंकि हमेशा हमने रोहन मेहरा की जो एक इमेज है वो हमेशा देखा है कि एक मेहरा हाउस का बेटा, या फिर हमेशा एक अलग इमेज देगा, सो क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने बहुत सारे रोल्स अब तक किए और सारे डिफरेंट किए हैं। जिससे पहले जब मैं टीवी कर रहा था तो बेटा का कैरेक्टर काफ़ी फेमस हुआ था मेरा, कि मैं जैसे ये रिश्ता कर रहा था उसमें कि एज अ सन आई वाज लव्ड अ लॉट बाय द ऑडियंस। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की, बिग बॉस किया, फिर फिल्में की, फिर मैंने म्यूजिक एल्बम्स की, और जो लास्ट वेब सीरीज भी थी मेरी थोड़ी सी अलग हटके थी, क्लास ऑफ 2020। तो ये टोटली अलग है और इसके अंदर बहुत बहुत मेहनत लगी है हम सबकी, और पूरी वर्कशॉप्स प्रॉपर हमें दी गई। प्रीति मैम ने जो कि हायर की गई थी ऑल्ट Z5 वालों ने, प्रॉपर उन्होंने हमें कोचिंग दी इससे पहले, शो शुरू होने से पहले भी। और फिर जो ड्राइवर का था, वो मेरे खुद के जो ड्राइवर है, मैंने उनको काफ़ी नोटिस किया, क्योंकि इवन दो वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, बट फिर जब ये शो मुझे मिला तो मैंने उनको बुलाया कि चाहे मुझे शूट चल भी नहीं रहा था, बट आई कॉल्ड हिम कि भाई तुम आओ, हम 1-1.5 घंटा ऐसे राउंड पर जाया करेंगे। और मैं उसको नोटिस कर रहा था वो कैसे बात करता है और कैसे उसका बॉडी लैंग्वेज है। फिर मैंने हिप हॉप डांस सीखा इसके लिए, और बहुत नई नई चीज़ें करने को मिली। और पूरा टाइम एक्चुअली हमने, जो होता है ना, नॉर्मली टाइम मिलता नहीं टीवी में कि आपको बस आपको कास्ट करते हो शुरू हो जाता है और नेक्स्ट डे, इसके अंदर प्रॉपर स्क्रिप्ट पहले से थी। तो लैंग्वेज पे काम किया कि मैंने पूरी अपन तो यही करेगा, जैसे गली बॉय थोड़ा कैरेक्टर वैसा। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है करके, और इमोशनल साइड लोगों को बहुत अच्छी लग रही है प्रोमो के अंदर मेरी, और लोग इमोशनल हो रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि आई थिंक ये हर घर की स्टोरी है कि बनना, इंसान बनना कुछ और चाहता है लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तो यार, अच्छा, सेट में इतने सारे लोग थे और भी सारे स्टार कास्ट थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ में शूट करने का? सब यंग लोग थे ऑलरेडी, आधे से ज़्यादा को तो मैं जानता था पहले, मैंने जैन के साथ पहले काम किया हुआ, अनुष्का को बहुत सारी पार्टीज में मिला हूँ क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स हैं, और अदिति भी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू लिंक में थी किसी ना किसी तरह से। तो बहुत मज़ा आया, सब एक दूसरे को जानते थे, मज़ा करते थे, सब यंग थे, तो पता नहीं चला कैसे टाइम बीत गया। और वर्कशॉप से शुरू होते थे, उसके बाद भी हम लोग पार्टी करने लगते कई बार, जैसे शूट नहीं भी होता तो हम वैसे भी मिलते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल।
अच्छा, बिग बॉस की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से बिग बॉस में नए कनेक्शंस आ चुके हैं, अभिनव शुक्ला भी निकल चुके हैं बिग बॉस करके बाहर, क्या कहना चाहेंगे, कितना शॉकिंग था आपके लिए? थोड़ा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि ऑब्वियसली वोटिंग से नहीं उनको निकाला गया, उनको जो कनेक्शंस आए थे उनके थ्रू निकाला गया, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो डिज़र्व नहीं कर रहे थे क्योंकि वोटिंग से आई एम श्योर वो नहीं जाते। बिग बॉस ने कुछ ऐसा प्लान कर दिया कि ऐसा ऐसे निकाल दो, कि आई एम श्योर कि लोगों को भी यही देखना है कि अब रुबीना कैसे अकेली रहती है, और मज़ा आएगा देखने में उनको। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अनफेयर है क्योंकि अभी 14 फेब आने वाला है, वैलेंटाइंस पे दोनों को अलग कर दिया गया है और साथ ही जैस्मिन भी गई बिग बॉस के घर में अली के लिए, सो क्या कहना चाहेंगे? अनफेयर तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो अभिनव शुक्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से अनफेयर है, बट अदरवाइज 10 दिन में तो मिल ही लेंगे, तो कोई बात नहीं, अगले 100 साल और वैलेंटाइंस बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी क्यूट कपल है वो, और दिखा दिया उन्होंने अब क्यूट, दे लव ईच अदर, पहले छुपा रहे थे तो अच्छा किया है आई थिंक, कि लोगों को रियल साइड ही देखनी थी, वो दिखा दिया उन्होंने। अच्छा, बात करते हैं हम बिग बॉस के घर के बाकी के कंटेस्टेंट क्या है, तो ऐसा किस में आपको लगता है कि जो विनर बन सकता है, विन क्वालिटी है? रुबीना डेफिनेटली मुझे लगता है जीत जाएंगी ये शो। लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमारा शो आ रहा है 14 फेब को, बहुत मेहनत हमने सबने की है, क्रैश इसका नाम है, भाई बहन के प्यार के ऊपर ये स्टोरी है, तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन देखना ना भूलेगा क्रैश।